हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ प्रमिला। प्रमिला की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करारी कुरकुरी पेटी। तो चलिए अपनी रेसिपी में चलते हैं। फ्रेंड्स, हमें पेटीज के लिए सामान चाहिए। हमने एक बड़ा बाउल मैदा लिया है और इसके लिए कुरकुरी करने के लिए 2 से 3 चम्मच हमने सूजी लिया है। इसमें हमने गाजर को ग्रेट किया है। 10 से 15 हमने बीन्स इसको बारीक कट कर लिया है। हमने हींग लिया है। आलू है जिसको हमने छोटा छोटा तोड़ के रख लिया है। आधा प्याज है इसमें, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा तेल, धनिया हरा, चिली फ्लेक्स, जीरा, धनिया पाउडर, और ये हमारा धनिया भुना हुआ है जिसको हमने क्रश कर लिया है, और काली मिर्च है। ये हमारा चाट मसाला स्वाद के लिए। थोड़े से हमने इसमें काजू और हमने इसमें लिया है किशमिश, नमक स्वाद अनुसार। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हमने अपनी गैस को ऑन कर लिया है और इसमें डालेंगे 2 स्पून ऑयल। जब ये स्पून हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे जीरा। अभी 2 मिनट में ये गर्म हो जाएगा। हमारा तेल गर्म हो गया है, हमने इसमें डाल दिया है जीरा और डाल दिया है इसमें हमने अपना प्याज, हरी मिर्च। इसको ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। हमने डाल देंगे हम हींग। हमारा ये भून रहा है। अब इसमें अपना ग्रेट किया हुआ गाजर, बीन्स डाल देंगे, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग। अच्छे से इसको चलाएंगे। और गैस को सिम करके 10 मिनट के लिए इसको ढक के कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, अब अपना हम इतना हमारी सब्जी तैयार होती है। अपना डो तैयार कर लेते हैं। हमने इसमें मैदा डाल दिया है, सूजी ऐड कर देंगे। अब ऑयल डाल दिया है इसमें हमने 2 से 3 चम्मच। इससे हमारी ये काफी अच्छी बनी है, कुरकुरी भी होती है। नमक ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर देंगे। अब हम अपना थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। पेटीज हमारी कुरकुरी बननी चाहिए, इसका डो हमें अपना टाइट ही रखना है। हमारे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी रोस्ट हो गई है। इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर, अपने काजू और किशमिश जो हमने योन किया था, कोरिएंडर ये डाल दिया है। अब डाल देंगे इसमें हम अपने आलू, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और अपना 1/2 स्पून धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अपनी गैस को कर देंगे बंद। हमारा डो भी रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह से 10 मिनट्स के लिए हम अपने एयर टाइट बॉक्स में कवर करके रख देंगे। हम अपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग ऑलरेडी तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़ा 5 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा डो तैयार हो रहा है, हमारा स्टफिंग ठंडी हो रही है, हमने अपने तेल को गर्म करने के लिए कर दिया है क्योंकि इसको हमें डीप फ्राई करना है। अब अपने डो को हम चेक कर लेते हैं और इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से ऐसे मैश कर लेते हैं, क्योंकि एक बार जब हमारा आटा हम 10 मिनट के लिए रखते हैं वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं।
इसको ऐसे हम रोल कर लेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ज्यादा नहीं, बस ये मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। दिखाते हैं हम आपको, ये इस शेप का हमारा पेड़ा होना चाहिए। इस तरह से फ्रेंड हमने अपने 5 डो के बनाकर 5 हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं और बाकी का आटा हमने एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख दिया है जिससे वो ड्राई ना हो। अब हम आपको इसको बेल के बताते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पेड़े को लेना है और इसको ऐसे गोल गोल बेलना है। आप थोड़ा सा इसमें सूखी मैदा भी मिला सकते हैं क्योंकि मैदा होती है इसलिए बेलने में थोड़ा सा टफ होता है। इसको गोल गोल बेलेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे कट कर लेना है। ये हमारा चौकोर शेप में बनकर तैयार होगा इस तरह से। बाकी पार्ट्स को अलग कर देना है, बिल्कुल इक्वल इसको इस तरह से बनाना है। ये देखिए इसी तरह से हमें अपने सारे पार्ट्स तैयार करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको इस शेप में तैयार कर लिए हैं। अब हम आपको हम इसको भर के बताते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमें इसको इसका शेप देना है और अपने इसमें ऐसे तैयार करके रखना है जो बिल्कुल अच्छे से हमारा ये कवर हो जाए। ये इस तरह से हमें ये कवर कर देना है और इसके चारों तरफ हमें इस तरह से पानी लगाना है फिंगर की सहायता से। ज्यादा पानी नहीं लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से लगाना है। इसको हम कवर कर देंगे और चारों तरफ से ऐसे अपना बंद कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे ये बनकर तैयार हो रहे हैं। अगर आपको लगता है इसमें हमारा थोड़ा सा ज्यादा बन गया है तो इसको हम इस तरह से कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग करके इसको हम साइड से ऐसे निकाल सकते हैं जिसकी हमें अच्छी सी शेप मिल जाए। देखिए ये हमारी इस तरह से तैयार हो रहे हैं। हमारा तेल भी गर्म हो गया है। इसको फ्रेंड ज्यादा गर्म तेल में नहीं डालना है, मीडियम फ्लेम गैस होनी चाहिए इसमें। बस इसको हम 2 से 3 ही एक बार में डालेंगे और सीम गैस पर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको हम फ्रेंड्स ऐसे धीरे से दूसरी साइड से पलट देंगे और धीरे धीरे इनको गैस में पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा गोल्डन ब्राउन कलर धीरे धीरे हो रहा है। अब इसको हम फिर से दूसरी साइड से ऐसे कर देते हैं। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट वाली पेटी कुरकुरी, जब आप खाएंगे तो आपको जरूर पता चलेगा। बस हम सारी पेटीज को इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स को हम जो हमारी कुरकुरी हो गई है इसको हम इस तरह से निकाल देते हैं। ये देखिए लग रही है ना मार्केट में, तो लॉकडाउन का टाइम है, मार्केट से कुछ खा नहीं सकते हैं तो क्यों ना घर पे ही ऐसी करारी करारी कुरकुरी पेटी बनाई जाए। हम आपको बस थोड़ी देर में सर्व करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी पेटीज ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं। आपके सामने हम सर्व करके ट्रे आ गई है। तो कर रहा है ना आपका मन भी फटाफट खाने का गर्मा गर्म। तो देखिए दिखने में मार्केट के जैसी कुरकुरी लजीज है ये, बिल्कुल एकदम ऐसे ही। आप भी खाइए और आपको हम अब इसको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए आपकी कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल एकदम करारी। तो फ्रेंड्स आप भी हमारी पेटीज को जरूर खाइए। फ्रेंड्स हमारी वीडियो को थम्स अप कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर से मिलते हैं हम आपके साथ। बाय बाय।